अर्लीवुड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके लिए आपके फ़ायदे की बात आरबीआई कर रहा है और आरबीआई ने इतना सख्त कदम उठा लिया है जिनसे कि जितने भी लोन ऐप कंपनी है जो ऐप से लोन देती हैं, डिजिटल माध्यम से लोन देती हैं, ऑनलाइन लोन देती है, अब उन सभी की मनमानी पर रोक लगने वाली है और आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ बताएंगे, आरबीआई ने इतना सख्त कदम उठाया है जो लोन ऐप कंपनी की या फिर आपको जो एनबीएफसी कंपनीज है उनके ऊपर बहुत बड़ा टेंशन में आ गया वो लोग। ठीक है, अब बताते हैं कैसे टेंशन में आया और आपका कैसे फ़ायदा होगा और अब वो क्या करने वाली हैं। यदि वो नहीं करती है तो उसके ऊपर आरबीआई बहुत ही कठोर कार्रवाई करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम आपको बताते हैं, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, डेली आके वीडियो देखना है अर्लीवुड पे ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है दोस्तों, आरबीआई ने बोला अब बहुत कर लिए मनमानी तुम लोग, ठीक है अब मनमानी बंद करो, अब हम कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है, आप कितने सारे लूट की कार्रवाई लोन के नाम पर लूटते थे लोगों को, बहुत ज़्यादा चार्जेज लगाते थे। ठीक है, और ये लूट नहीं तो क्या है, फिर आप डेली इतना हैवी अमाउंट लगाते हो। खैर कोई बात नहीं है एक तरह से, लेकिन आप कस्टमर को बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता था तो आरबीआई ने उसी को लेके अपनी एक रूल बनाया। ठीक है, और नोटिफिकेशन निकाला जो अब ये सब चीज़ नहीं चलेगा, अब बहुत कर लिए आप लोग मनमानी, अब जो हम कहते हैं आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, यदि ऐसे नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये आरबीआई बोल रहा है। ठीक है, और ये रिटर्न में निकाल दिया है और अब एनबीएफसी और लोन कंपनी की हालत जो है पतली हो गई। ठीक है, अब कैसे पतली हुई है और जब आप ये देख लेंगे तो फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले न्यूज़ भी देख लो, आप न्यूज़ में भी आप लोग देखते होगे तो अब न्यूज़ भी देख लो, यहाँ पर लोन ऐप, अभी इसको ज़रा हम सर्च करते हैं आपको दिखा देते हैं। ये देखो, जैसे ही आप सर्च मारोगे लोन ऐप गूगल पे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे मिंट का दिख रहा है, मनी कंट्रोल का दिख रहा है, आरबीआई गाइडलाइन टू रीन फिनटेक टू बैंक बुलिंग रिकवरी, फिर यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है। तो अब आप ज़रा इसका देख लो, मनी कंट्रोल का, मनी कंट्रोल को तो जानते ही होगे आप लोग, पढ़ लिया इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है चैलेंज ड्यू टू, अब इनमें बताया गया है जो ये जितने भी लोन ऐप कंपनी हैं इन सभी को अपनी अपनी लोन का डिटेल और लेटर सब, सेंक्शन लेटर सब उनको अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। अब आते हैं आरबीआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ध्यान से सुनना, अब जो हम बता रहे हैं आपको बहुत काम का जानकारी है। सबसे पहले ये देखिए, ये 24 जून का नोटिफिकेशन है। ठीक है, 24 जून का है, आज से दो दिन पहले का, समझ गए बात को। और अभी की टाइमिंग देख लो, अभी की टाइमिंग हो रही है 12:25 और ये जून का है। ठीक है ना, अब ये देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें जितने भी बैंक हैं, एनबीएफसी कंपनी है, हाउसिंग कंपनी है, लोन ऐप है, सबके लिए है ये नोटिफिकेशन। इसमें ये बताया गया है जो अब आरबीआई इन सभी के ऊपर लगाम लगा रही है, मनमानी बंद कर रही है, क्योंकि मनमाने ढंग से ब्याज वसूलना, मनमाने ढंग से गाली गलौज करना, ये सब चीज़ नहीं चलने वाला। तो इसमें आरबीआई क्या बोल रही है, अब जब आप किसी कस्टमर को लोन दोगे तो आपको डालना पड़ेगा, आपको उस आपको अपनी लेटर हेड पर उसको सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ बताया गया यहाँ पे, ये बोरोवर परमिश एजेंट, अब किस देखो, नेम ऑफ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंगेज्ड इन द डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट। अब आपको जो भी आपकी वेबसाइट है उस पे आपको अपना नाम यानी एजेंट का नाम, कौन सा एजेंट है जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, उसका नाम आपको अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है जो डिजिटल इंगेजिंग सेल डायरेक्ट टू डिस्क्लोज द टू दिस ऑन बिहाफ ऑफ इंटेक्ट। अच्छा, अब जब आप कस्टमर को कॉल करता है आपका एजेंट तो आप उनको बताओगे जो आप कौन सी बैंक से हो, कौन सी एनबीएफसी कंपनी से हो, किस रिगार्डिंग आपने कॉल किया है, किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, इमीडिएटली आफ्टर सेंक्शन बट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, अब ये इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही आप किसी को लोन देते हो किसी कस्टमर को तो आपको उस कस्टमर को लोन एग्रीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, लोन एग्रीमेंट देना पड़ेगा आपके कंपनी के लेटर हेड पे। ठीक है, लोन एग्रीमेंट देना पड़ेगा, उस लोन एग्रीमेंट जब देगा वो तो उसमें सारा चीज़ लिखा रहेगा जो आपको कौन कौन सी डेट में ईएमआई देना है, कितनी ईएमआई आपकी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, और
ये सारा उस पे रूल्स रेगुलेशन लिखा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपको आपके लिए, क्योंकि ये लोन ऐप कंपनी जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती हैं, तो अब उनकी मनमानी जो है इसी, ये जो पॉइंट है चौथा पॉइंट आरबीआई का नोटिफिकेशन का, आरबीआई की नोटिफिकेशन का ये चौथा पॉइंट का जो सी नंबर है, सब सेक्शन सी है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ बोल देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यही चीज़ आपको समझना है, द सेंक्शन लेटर है शैल बी इशू टू द बोरोवर, ठीक है, ऑन द लेटर हेड ऑफ द बैंक और एनबीएफसी कंसर्न, यानी जो भी एनबीएफसी कंपनी है बैंक है उनको उनके लेटर हेड पे सेंक्शन लेटर देना पड़ेगा कस्टमर को, यदि नहीं देगा तो आप आरबीआई में कार्रवाई करेंगे, कंप्लेंट करेंगे तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है। अब देखो कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट, ये देखो कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट विथ अ कॉपी ईच ऑफ इंक्लोजर कोटेड इन द लोन एग्रीमेंट सेल फर्निश टू द बोरोवर एट द टाइम ऑफ सेंक्शन लोन डिसबर्स, जैसे ही लोन आपको सेंक्शन हो जाती है, डिसबर्स हो जाता है, मिल जाता है आपके खाते में, तो उस टाइम पर बैंक के एनबीएफसी या लोन ऐप कंपनी आपको जो कोटेड है, जो आपको कौन कौन सी डेट में ईएमआई जाएगी, एग्रीमेंट, फाइनल एग्रीमेंट, ये सारा चीज़ उसको देना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव ओवरसाइट मॉनिटरिंग शैल बी इंक्लोज्ड ओवर द डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म बाय एनबीएफसी कंपनी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो हमने बताया आपको, और यहाँ पे ये भी लिखा है मेड टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ग्रीवेंस, तो ठीक है। तो ये सब कुछ, तो मेजर चीज़ थिंग क्या है, आपको ये सी नंबर है इमीडिएटली, अब जैसे ही लोन सेंक्शन होता है तो सेंक्शन होने के बाद तुरंत आपको यानी ग्राहक को यानी कस्टमर को बैंक एनबीएफसी लोन ऐप कंपनी उसको सेंक्शन लेटर देगी, टर्म्स कंडीशन बताएगी उसमें क्या क्या लिखा है, किसी तरह का हरासमेंट नहीं करेगी, कॉल के लिए आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, ताकि वो मनमानी नहीं कर सके। अब इसमें सबसे नीचे ये भी लिखा, एनी वायलेशन इन दिस रिगार्ड, यदि इसको कोई भी कंपनी एनबीएफसी बैंक सब कोई भी वायलेट करता है तो आरबीआई के पास कंप्लेन आने पर आरबीआई इतनी सख्त कार्रवाई करेगी जो फिर वो लोन देना भूल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं तो ऐसे ही बताया इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अब आपके लिए आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है। तो बेसिकली लोन ऐप कंपनी बहुत मनमानी करती थी, तो अब ये चीज़ नहीं चलने वाला, आरबीआई ने बहुत सख्त कदम उठा लिया है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा, और इसका प्रूफ भी देख लो, ये हम ऐसे नहीं बता रहे, ये आरबीआई की वेबसाइट पे पीडीएफ दिया हुआ है, और ये रिफ्रेश भी हमने कर दिया, ये ओपन हो, यहाँ पे लिंक दिया हुआ, ये देख लो वेबसाइट, ठीक है, ये लाइव हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी थी, आप लोगों के काम का था, आप लोग परेशान हो रहे थे, और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, और इस वीडियो को सभी जगह व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, सभी जगह शेयर कर लेना, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।